محمد وعلى محمد صلاه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حبيب خدا ختم الانبياء بلند تر صلوا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. परवरदिगार आलम हमारे वजूद को नूर मुकद्दस से हजरत ज़हरा से मुनव्वर फरमाए बाके सलावत पढ़ती हूं मुहम्मद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर धीमे सलावत होंगे तो 5 मिनट की तकरीर हो गया। परवरदिगार आलम हमारी गुनाहगारों को ज़ियारत इमाम ज़मान के काबिल बनाए। एक बार फिर सलावत पढ़ती हूं मुहम्मद आलम जलाल। हमें खुशू खुशू खलूस और तहारत ज़ाहिरी और बातनी से भरपूर एक ऐसी महफिल बरगुजार करने की तौफीक इनायत फरमाए जहाँ पे हजरत ज़हरा तशरीफ लाती हैं। एक बार फिर सलावत पढ़िए। जब कलाम हो रहा है
तरतीब नुज़ूल के हवाले से जो पहली आयत नाजिल हुई वो कौन सी थी? तरतीब नुज़ूल, ये तरतीब कुरानी है। इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, और हमने उसको दलील बनाया था कि पैगंबर अकरम खुदा के ऊपर इत्तेकाल और ईमान, यानी कि इस्लाम के बाद जाके उनके इस्लाम और उसका सिलसिला शुरू हुआ। तो जो पहला तआरुफ पैगंबर अकरम से हो रहा है, तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, के लिए रहमत, जिनको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है, उनसे जो पहला कलाम परवरदिगार आलम कर रहे हैं, क्या करें? इकरा बिस्मे रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें खल्क किया है। और जब इंसानों से जिक्र हो रहा है तो पहला कलाम क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़ो ये शुरू करो अल्लाह के नाम से। यहां अल्लाह का नाम का जिक्र आ रहा है, वहां रब के नाम का जिक्र आ रहा है। मैं जिक्र किया था कि जब पहला तारुफ होता है तो इंसान पहले अपना नाम बताता है। अल्लाह के तमाम अस्मा नाम सिफाती हैं, एक नाम इसमें जात है। वो इसमें जात कौन सा? अल्लाह का नाम। आपको तो मालूम है ना, टू वे ट्रैफिक चलती है, वन वे भी चलती है। आप भी सवाल करेंगे, जवाब देंगे तो साथ हम चलते जाएंगे, वरना हम समझ जाएंगे कि आपको नहीं पता, एक स्टेप और पीछे से चले जाएंगे, घंटे के बजाय डेढ़ और दो और तीन घंटे भी लग सकते हैं। सवाल पढ़िए मोहम्मद वाले। आज बहुत दिल था कि आपके साथ हम इस महफिल में ज्यादा देर तक शिरकत करते हैं, लेकिन एक और काम दोस्तों को वहां पे मैनचेस्टर में पड़ गया, मैं फ्लाइट चेंज करनी पड़ी उसके लिए, और एक प्रोग्राम में थोड़ी देर नाम शोरा हजरत के कलाम से मुस्तफीद होना चाहते थे। कभी कभी खुशी की महफिलें होती हैं, और ये तो खुशी एक अजीब है, इसमें शिरकत करना जो वैसे ही दिल चाहता है, तो लेकिन अब मजबूरी है कि यहाँ से हमें दूसरे प्रोग्राम के लिए हमें वो हिदायत टीवी पर उधर पहुँचना है, मैनचेस्टर पहुँचना है, उस वजह से हम आपसे माजरत चाह रहे हैं, लेकिन अब अपना कलाम पूरा करेंगे, वरना उस शोरा हजरत से भी हमारे अपना दिल तक इनका कलाम सुनते तो लुत्फ ज्यादा आता। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। शुरू करते हैं, हम जब केमिस्ट्री पढ़ा करते थे ना, तो वहां पर एक होता है लिटमस टेस्ट होता है, ठीक है ना, लिक्विड में क्या करते हैं, लिटमस पेपर डालते हैं और उसका कलर चेंज हो जाए, उससे एसिडिटी का पता चलता है कि इसमें तेजाबियत पाई जाती है, नीचे वाली इसमें तेजाबियत कितनी है। तो हम जब ये मेंबर में बैठते हैं ना, तो आपके लिए लिटमस टेस्ट हमारे लिए शुरुआत होती है। तीन बार पढ़े खलक, और जब हम इंसानों से जिक्र हो रहा है कुरान में पहली आयत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान जब पहला तआरुफ कराता है तो पहले अपना नाम बताता है। अल्लाह का एक नाम है जो इसमें जात है, वो लफ्ज़ अल्लाह है, बाकी तमाम सिफाती नाम है, 99 नेम्स, ये वैसी बात है कि 99 नेम्स है अल्लाह के, जिस जो जात लामहदूद है उसकी सिफात महदूद नहीं हो सकती, तो उसकी सिफात भी लामहदूद, लेकिन ये वो सिफात है जो हमारी अकल समझ सकती है, वो हमें बताई गई है, दुरुस्त है। इसलिए हम 99 बना ले या 100 बना ले या 1000 बना ले, आप दुआओं में और आयमान जो जिक्र किया है वो कई नाम बनते हैं, कई सिफात बनती है, लेकिन अल्लाह जो पहला तारुफ इंसान से करवा रहा है तो क्या कह रहा है? इकरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से। और जब अपने महबूब से जिक्र कर रहा है तो इकरा बिस्मे रब्बिकल्लज़ी
खलक क्यों? इंसान का भी तारुफ नहीं है, भूल चुका है इंसान, पहले याद था इंसान को अब भूल चुका है। लेकिन पैगंबर अकरम जानते हैं कि उसका रब कौन है, इसलिए कहा क्योंकि पैगंबर अकरम की अपनी रिवायत है ना, हम अंबिया को हुक्म दिया गया है कि लोगों के साथ उनकी सतह फिक्री के मुताबिक गुफ्तगू करें, मेंटल लेवल के मुताबिक गुफ्तगू करें। तो क्या परवरदिगार आलम भी जब हबीब से गुफ्तगू कर रहा है तो उनकी सतह फिक्र के मुताबिक, जब इंसान से गुफ्तगू कर रहा है तो उनकी सतह फिक्र के मुताबिक। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अय्याम विलादत पैगंबर अकरम के करीब है, थोड़ा सा उसका भी जिक्र हो जाए परवरदिगार आलम, फिर उसके बाद क्या अपना तारुफ करा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम्द है उस अल्लाह के लिए जो रब है। कहां का रब है? आलमीन क्या है? आलमीन की क्या तशरीह करेंगे? क्या समझ में क्या आता है? सब कुछ के क्या मतलब है? जान छोड़ा मेरी बात नहीं करना। सब कुछ क्या, पूरी कायनात में क्या क्या शामिल है? जमीन शामिल है, आसमान शामिल है, परिंदे शामिल है, हैवान शामिल है, दरिंदे शामिल है, पहाड़, जंगल, सहरा, जमीन, चांद, सितारे, जरा गिनती करते हैं ना क्या क्या चीजें। सोलर सिस्टम है हमारा, गैलेक्सी है हमारी, इसके बाद जितनी ये मिल्की वे और ये सारी जितनी भी कायनात मौजूद है आज, ये सब आलमीन का हिस्सा है। लेकिन यहीं तक महदूद है आलमीन नहीं, जो पहले था वो भी शामिल है, जो आइंदा आएगा वो भी शामिल है, और जो आज है वो भी शामिल है। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा, मौजूद बना के वरना पूरी तकरीर इसी एक आयत पे खत्म हो जाती है, 45 मिनट निकालने कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको मफहूम समझाना चाहूं, आप साथ रहेंगे, तीन बार सलावत इसलिए पढ़ाई कि जिस्म, रूह, सोच और फिक्र सब बेदार हो जाए। तो कम वक्त में ज्यादा मौजू आपकी खिदमत में पहुंचाना। अल्लाह ने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये तमाम आलमीन का लक्ष्य अपने ज़हन में समेट के बात करें कि अल्लाह इन सब का क्या है? रब है। और अल्लाह कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, जहां जहां के लिए अल्लाह की रुबूबियत है वहां वहां के लिए पैगंबर अकरम को रहमत बनाकर भेजा गया है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। रहमत बनाकर भेजा गया है, अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा पैगंबर अकरम को, अल्लाह की जात ने इनकी जात को, पैगंबर अकरम की जात को हम कैसे बयान करें? तो पैगंबर अकरम खुद कहते कि हम अंबिया को हुक्म दिया गया है कि लोगों के साथ उनकी सतह फिक्री के मुताबिक गुफ्तगू करें, मेंटल लेवल के। अब इसी एक हदीस के ऊपर कि पैगंबर अकरम जब लोगों से गुफ्तगू करते थे तो उनके मेंटल लेवल के मुताबिक करते थे या उनके मेंटल लेवल से बुलंद गुफ्तगू करते थे? अभी आप तकरीर सुन रहे हैं ना, हर आदमी अपने ज़हन के मुताबिक इसमें से मतलब अफज करेगा, हर आदमी अपने मतलब अपने ज़हन के मुताबिक अपनी सतह फिक्री के मुताबिक इसमें से मतलब निकालता है। इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखेगा, डॉक्टर है तो मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, शायर है तो वो शेर के उसके हिसाब से देखेगा कि इसमें वजन वगैरह तमाम चीजें ठीक है और मतलब भी ठीक है, मफहूम भी सही, जो बयान करना चाहते हैं वही बयान किया है। और अगर कोई मिसाल के तौर पर कोई जमींदार बैठा है तो वो देखेगा इसमें खेत का कितना जिक्र आ रहा है, सब्जी का कितना जिक्र है, दूसरी चीजों का क्या क्या ठहरा हुआ है। कोई आलिम है तो वो अपने इल्म के, हर शख्स अपनी सतह फिक्री के मुताबिक इससे अपना मतलब अफज करने की कोशिश करेगा हर शख्स। लेकिन हमारी बात जो मेंबर से फर्क करो, कोई शख्स, मैं अपना जिक्र नहीं कर रहा, कोई आलिम अगर यहां से मेंबर से बयान करता है तो उसकी बात को नकल करना उसके लिए किस आदमी को चुनना चाहिए? किससे पूछेंगे वो क्या कह रहे थे? किसको? उसी के लेवल के बंदा होना चाहिए या उसके करीब करीब का बंदा होना चाहिए? वो जो बात नकल करेगा तो उस आलिम के बात को सही मफहूम में वो बयान करेगा। हर एक जगह नुमाइंदा नहीं बन सकता, हर एक जो है ना वो स्पोक्समैन नहीं बन सकता है। स्पोक्समैन वो बने जो उस साहिब की सतह फिक्री के करीब तरीन हो। अब पैगंबर अकरम जब गुफ्तगू किया करते थे महफिल में, पैगंबर अकरम जब महफिल में गुफ्तगू करेंगे तो जब अबू हुरैरा से गुफ्तगू करेंगे तो उसके मेंटल लेवल के मुताबिक करेंगे, सलमान से करेंगे तो सलमान के मेंटल लेवल के मुताबिक करेंगे, अबू जर से करेंगे तो अबू जर के मेंटल लेवल के, और मेरे मौला से जब गुफ्तगू करेंगे तो उनके
पूछना चाहिए हर किसी से या उससे जिसके लिए पैगंबर अकरम कह दे कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबहा। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले पहले उस्ताद को खल्क किया फिर मखलूक को खल्क किया। जब कहा ना इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन पर एक खलीफा मुकर्रर करने वाला हूं, तो अल्लाह ने क्या किया अभी जिक्र कर रहे थे आदम को सजदे का हुक्म दिया, परवरदिगार आलम ने सबसे पहले आदम को खल्क किया लेकिन क्या कहा फैजा सबैतहु व नफखतु फीहि मिन रूही फक़ऊ लहु साजिदीन। अभी नहीं पैकर बन गया लेकिन कहा नहीं जब मैं इसे बना लूं और जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सजदे में गिर जाना। अगर रूह फूंकने से पहले सजदे का हुक्म हो जाता तो आज बुत परस्ती जायज होती। मेरी रूह क्यों कहा, मेरी रूह क्यों कहा इस रूह को, यानी ऐसा नहीं कि अल्लाह के जिस्म का अल्लाह के रूह का एक हिस्सा आदम में दाखिल कर दिया, नहीं ये रूह को अपने से तशबीह क्यों दी, क्योंकि इंसान की रूह सिफात परवरदिगार आलम की बसर है, इसमें सिफात परवरदिगार आलम पाई जाती है। अल्लाह की सिफात लामहदूद है, अल्लाह का इल्म ऐसा नहीं कि इल्म अलग है और अल्लाह अलग है इल्म उनको हासिल हुआ, नहीं अल्लाह का वजूद ही इल्म है, अल्लाह का वजूद ही नूर है, अल्लाह का वजूद ही रहमत है, लेकिन वो रहमत और सिफात परवरदिगार आलम की लामहदूद है, इन्फिनिट है, कोई हद नहीं उसकी। इंसान के रूह में महदूद हद तक इन सिफात को समेटने की सलाहियत पाई जाती है। रहमत कोई भी इंसान रहमत को बुरा नहीं समझता, ये सिफात है ना परवरदिगार आलम की, ये इंसान के वजूद में समेटी जा सकती है। एक मिसाल देते हैं छोटी सी, एक धात आई मेटल आया हमारे पास दुरुस्त है, सोना नहीं है, सोना ये नहीं क्या मेरे सोना नहीं है, गोल्ड नहीं है वो, आज हंस ले जितना हंस सकते हैं, 68 दिन जो हम रोए 68 दिन नहीं हुजूर इस पे भी हमें इतराज है, ये हमारे हम कभी कभी बातें करते हैं, ये 68 दिन का मसला नहीं है, कुल और जन करबला कुल यौम आशूरा, जहां बदतर जनाजे उठ जाए वहां पे अजा हर दिन अजा है, वहां खुशी के दिन नहीं ताजिए ठंडे वंडे नहीं होते, मैं इस चीज का कायल हूं ताजिए ठंडे नहीं होते, और हम ताबूत से ज्यादा हम अलम के कायल है। अलम हरकत तहर्रुक की निशानी है, हरकत की निशानी है, अलम का मतलब है जंग जारी है, जंग खत्म नहीं हुई है, जंग जारी है, अंदाज बदला है। और याद रखिए ये 14, 15, 16, 72 अलम नहीं, एक ही अलम है, वही अलम आदम के पास था, वही मूसा के पास था, वही इब्राहिम के पास था, वही पैगंबर अकरम के पास था, वो अली मुर्तजा के पास था, वो हुसैन शहीद करबला के पास था, और वही इमाम ज़माना के पास है। एक और वो तहर्रुक की निशानी है दोस्त है, तो इमाम और हमारी जिंदगी और ये तमाम चीजें आपस में मरबूत हैं एक चीज के साथ है, अल्लाह ने रहमत बना के भेजा पैगंबर अकरम को, अल्लाह ने इस तहर्रुक की खातिर हमें पैदा किया कि ये तहर्रुक में इंसान पढ़ेगा, इस चक्की में जब पिसेगा फिर पता चल जाएगा कौन सा दाना कहां का है। आदम को जब अल्लाह ने खल्क किया तो पहले उस्ताद के तौर पे खल्क किया और कहा जब इसमें अपनी रूह फूंक दूं, वो रूह हमारी सिफात परवरदिगार आलम की मजहर है। अब मिसाल जो दे रहा था वो कि एक मेटल एक धात आई, गोल्ड नहीं है वो, सोना नहीं है, लेकिन उसका रंग सोने की तरह है, उसका वजन देखा तो वो भी सोने की तरह है, वो नरम भी सोने की तरह, सोना नरम होता है, ये तो उसमें थोड़ा सा मिलावट करते हैं तो उसको सख्त किया जाता है ताकि जेवरात वगैरह बन जाए और वो चल जाए थोड़ा सा उसका मामला ठीक हो जाए, वरना सोना असल में नरम होता है, नरम भी सोने की तरह है, ये जाहिरी सिफात उसकी सोने की तरह है, केमिकल रिएक्शन देखे तो वो भी सोने की तरह है। अब एक सवाल आप लोगों से, आप लोग पढ़े लिखे ना, हम लोग तो आप लोगों से कुछ सीखते हैं, ये बताइए कि ये मेटल जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सोने की है, जो सोना नहीं है, मसलन सपोज कुछ भी कर सकते हैं, फर्ज तो कुछ भी किया जा सकता है, ये सोने की तरह रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, आसान जब फिजिकल प्रॉपर्टीज भी वही है, केमिकल प्रॉपर्टीज और नाम आपको पर्चा